वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम एचएफएल लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो एचएफएल लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो 71.45 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है एचएफएल लिमिटेड स्टॉक, यानी कि देख सकते हैं आज फिर से गिरावट देखने को मिले एचएफएल स्टॉक में। फ्राइडे के दिन के बाद आज फिर से कंटिन्यूस गिरावट यहाँ पे हो चुकी है, 1.35 पैसे की गिरावट हो चुकी है, तकरीबन 1.85% की गिरावट एचएफएल लिमिटेड स्टॉक के अंदर देखने को मिले। जैसे भी आज ओपन तो हल्का सा गैप अप से ऊपर ओपन हुआ था, ओपन जैसे ही हुआ वही से गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। 73 लेवल पे रजिस्टेंस लगा और वही से गिरावट देखने को मिली। नीचे 71 लेवल ने सपोर्टिव एक्ट होता हुआ नजर आ चुका है आज के दिन में एचएफएल स्टॉक के लिए। तो मार्केट कैप देख सकते हो कि 10,000 करोड़ के ऊपर अभी भी स्टेबल है मार्केट कैप। पी रेशियो देखोगे तो 34 का है, जो कि हाई पे जाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5 दिनों के ऊपर नजर भी डाली जाए तो देख सकते तकरीबन 5% से ज्यादा गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। एचएफएल लिमिटेड का वॉल्यूम भी देखा जाए तो 45 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है एचएफएल स्टॉक के अंदर। ट्रेडेड वैल्यू जो है 3,249 लाख का है, और यहाँ पे देख सकते कि बाइंग के लिए 11 लाख से ज्यादा क्वांटिटी पेंडिंग है और सेलिंग के लिए 16 लाख से ज्यादा क्वांटिटी पेंडिंग दिखाई दे रहे। तो एच एफ सेल लिमिटेड के ऊपर भी देखा जाए तो डिलीवरी वाइज पोजीशन अवेलेबल नहीं है, पर रिसेंटली देख सकते हो कि चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो आज फिर से देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन यहाँ पे गिरावट हो चुकी थी। तो 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया था, तो आज उसी 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया है एच एफ सेल लिमिटेड स्टॉक ने। तो 200 को ब्रेकआउट देते हुए गिरावट हो रही है, तो 70 लेवल यहाँ पे आप देख सकते नीचे 70 लेवल पे सपोर्ट लेने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट एच एफ सेल स्टॉक के लिए।